स्टार्ट करें। यस सर। पढ़ेंगे हेमोलाइटिक एनीमिया, आज हम लोग पढ़ेंगे हेमोलाइटिक एनीमिया। तो हेमोलाइटिक एनीमिया जैसा कि नाम से पता चलता है कि due to hemolysis or abnormal breakdown of RBC. Hemolysis, hemolytic anemia is the form of anemia due to hemolysis or abnormal breakdown of the RBC or abnormal breakdown of the RBC. इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, hemolysis anemia is said to be occur when the RBC lifespan is less than 120 days and bone marrow will not compensate sufficiently to it is called hemolytic anemia. Okay, so लिख लीजिए, अगर इसको आम लफ्जों में समझे तो क्या होता है हेमोलाइटिक एनीमिया, वैसे ही एनीमिया जिसमें आरबीसी का हेमोलाइसिस यानी आरबीसी टूटने लगता है और वो पैथोलॉजिकल बेस पे टूटने लगता है, चाहे वो उसकी वजह कुछ भी हो, और बोन मैरो उसको सफिशियंट अमाउंट में कंपनसेट नहीं कर पाता है, इसको हम हेमोलाइटिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो लिख लीजिए डिफिनेशन, hemolytic anemia is a form of anemia due to hemolysis or abnormal breakdown of the RBC or abnormal breakdown of the RBC. It can be elaborated as you are defined as hemolysis anemia said to be occur. Hemolytic anemia said to be occur when the mean RBC survival is less than one. Elaborate as hemolytic anemia is said to be occur when the mean RBC survival is less than 120 days and bone marrow does not compensate sufficiently okay. हो गया? Yes, sir. चलो अब इसके हम काउज के ऊपर बात करते हैं ना, तो काउज इसके क्या क्या हो जाएंगे,
काउज, सबसे पहले काउज को दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, या फिर कंजेनाइटल और एक्वायर्ड या फिर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। सबसे पहले अगर हम इसको देखें कंजेनाइटल और एक्वायर्ड के बेसिस पे क्या क्या काउज होते हैं, तो सबसे पहला कंजेनाइटल काउज, कंजेनाइटल काउज, कंजेनाइटल काउज में बेसिकली तीन तरह की डिफेक्ट होती है। पहला क्या, मेम्ब्रेन एबनॉर्मलिटीज, पहला क्या, मेम्ब्रेन एबनॉर्मलिटीज। जैसे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस एकेंथोसाइटोसिस सर, एकेंथोसाइटोसिस क्या है? बेसिकली ये क्या हुआ, एक और किसी ने कुछ बोला क्या सर, फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, सारे काउज को फिर से रिपीट कर दूं क्या? नहीं, कंजेनाइटल से सर। ओके, कंजेनाइटल जो काउज होते हैं वो सबसे पहला क्या होता है इसमें, मेम्ब्रेन एब्नॉर्मलिटी, मेम्ब्रेन एबनॉर्मलिटी जो होता है वो क्या होता है कि उसमें कई सारी आईबीसी के एबनॉर्मलिटीज आती है, जैसे कि हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस और ये एकेंथोसाइटोसिस। अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि एकेंथोसाइटोसिस क्या होता है सर, तो एकेंथोसाइटोसिस में ये एक तरह का सेल मेम्ब्रेन एबनॉर्मलिटी है, जिसमें इसका सेल का जो शेप हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन का जो शेप हो जाता है वो हॉर्न शेप में आ जाता है, हॉर्नी प्रोजेक्शन हो जाता है उसका, सिमिलर टर्म इज एस्पर सेल्स की तरह हो जाता है, स्पर सेल की तरह हो जाता है, ठीक है, सेल का प्रोजेक्शन जो है थॉर्नी हो जाता है, थॉर्नी। ओके चलो, एस्टोमेटोसाइटोसिस एस्टोमेटोसाइटोसिस के बाद अगर बात करें तो और क्या हो सकता है, हेरिडिटरी पाइरोपोइकिलोसाइटोसिस PYROPOIKILO साइटोसिस। ओके, तो ये सारे के सारे मेम्ब्रेन एबनॉर्मलिटीज में आ जाती है, मेम्ब्रेन एबनॉर्मलिटीज के बाद, आईबीसी के मेम्ब्रेन एबनॉर्मलिटीज में। इसके बाद अगर कंजेनाइटल काउज सेकंड देखेंगे तो उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिनोपैथीज या हीमोग्लोबिन एबनॉर्मलिटी, हीमोग्लोबिनोपैथी या हीमोग्लोबिन एबनॉर्मलिटी।
ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे थैलेसेमिया, ए सी डी, ठीक है, सिकल सेल डिजीज, ये सारे के सारे आ जाएंगे आपको हीमोग्लोबिन पैथीज में, या फिर यू कहिए कि हीमोग्लोबिन एबनॉर्मलिटी में, ठीक है। आ थैलेसेमिया के बाद हीमोग्लोबिन एस सी डी, ये एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है, हेलो सर, हेलो, बोलो वसीम। हाँ कह रहे हैं, एक लिखा है सर, स्टोमेटोसाइटोसिस में हेरिडिटरी पाइक्यूलोसाइटोसिस, तो वो क्या कोल्ड ब्लडेड से कुछ ये है कि समझ में नहीं आ रहा है सर, पाइक्यूलोसाइटोसिस नहीं गोल्ड ब्लड नहीं करें सर, पाइक्यूलोसाइटोसिस क्या है, पाइक्यूलोसाइटोसिस ये भी एक तरह का सेल मेम्ब्रेन, आईबीसी का सेल मेम्ब्रेन एबनॉर्मलिटी है, ठीक है जी, का प्रोजेक्शन हो जाता है, पाइरोल रिंग टाइप का हो जाता है। चलो आगे बात करते हैं, तो आगे में जो है हम हीमोग्लोबिन एस सी डी, इसके अलावा सिकल सेल डिजीज ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट में, तो आरबीसी का जो है रेड सेल एंजाइम डिफेक्ट, या आरबीसी का एंजाइमेटिक डिफेक्ट, आरबीसी के एंजाइमेटिक डिफेक्ट में क्या आ जाएगा, G6PD, आरबीसी का एंजाइमेटिक डिफेक्ट, इसमें G6PD, पाइरवेट काइनेज डिफिशियंसी, हेक्सोकाइनेज डिफिशियंसी, ग्लूटाथियोन रिडक्टेज डिफिशियंसी, ओके हो गया। हेक्सोकाइनेज डिफिशियंसी, इसके अलावा ग्लूटाथियोन रिडक्टेज डिफिशियंसी, अब बात करते हैं एक्वायर्ड काउज की, अब बात करते हैं हम आगे एक्वायर्ड काउज की। एक्वायर्ड काउज को फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, इम्यूनोलॉजिकल काउज एंड नॉन इम्यून काउज, या फिर इम्यूनोलॉजिकल काउज या नॉन इम्यून काउज। एक्वायर्ड काउज को फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, इम्यूनोलॉजिकल काउज एंड नॉन इम्यून काउज। फर्दर इम्यून काउज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आइसो इम्यून काउज और ऑटो इम्यून काउज, आइसो इम्यून काउज और ऑटो इम्यून काउज। ठीक है, हेलो, यस सर,
तो आप आइसो इम्यून काउज की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें वार्म एंटीबॉडी टाइप आईजीजी, वार्म एंटीबॉडी टाइप आईजीजी वार्म गर्म वार्म एंटीबॉडी टाइप आईजीजी ये जो है अमूमनता आइडियोपैथिक होता है, ये अमूमनता आइडियोपैथिक होता है, या फिर इसकी वजह से एसएलई लिम्फोमा, एसएलई लिम्फोमा, सीएलएल सीएलएल CLL, ovarian teratoma syndrome, Ivan syndrome, ovarian teratoma, Ivan syndrome, and methyl dopa की वजह से जो है हमारा antibody IgG जो है वो warm antibody IgG कहता है, ठीक है। तो इवान सिंड्रोम एंड ड्रग्स में मिथाइल डोपा, ड्रग्स में मिथाइल डोपा। वहीं कोल्ड एंटीबॉडी टाइप आईजीएम, कोल्ड एंटीबॉडी टाइप आईजीएम कोल्ड एंटीबॉडी टाइप आईजीएम इसमें क्या क्या हो जाएंगे, कोल्ड हेमाग्लुटिनिन डिजीज, कोल्ड हेमाग्लुटिनिन डिजीज, टॉक्सिमल कोल्ड हेमोग्लोबिन ग्लोबिनोरिया, प्रॉक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनोरिया पीसीएच के नाम से भी जाना जाता है, माइकोप्लाज्मा निमोनियाए या निमोनिया, इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियस, वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस, एंड फिर कुछ ऐसी चीजें भी है जो वार्म में भी होती है और कोल्ड में भी होती है, जैसे सीएलएल एसएलई एंड लिम्फोमा, सीएलएल एसएलई एंड लिम्फोमा। ओके, वहीं सर ओवेरियन टेरेटोमा सिंड्रोम क्या है? ओवेरियन टेरेटोमा सिंड्रोम नहीं है, ओवेरियन टेरेटोमा एक कंडीशन होती है जब ओवरी से जो है के साथ ये हो जाता है, क्या नाम है आपको, एक तरह का ओवरी पे मास डेवलप हो जाता है और वो मास जो है एक इससे तीन जगह से अटैच होता है, बेसिकली एक मास का अटैचमेंट आपको इससे हो जाता है, ब्लडर से हो जाता है, दूसरा डायरेक्ट ओवरी से हो जाता है, तीसरा फिलोपियन ट्यूब से हो जाता है, इतना इस तरह का मास होता है, ठीक है। ब्लडर से ओवरी से और फिलोपियन ट्यूब। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ड्रग्स रिलेटेड, अगर ड्रग्स रिलेटेड इसमें जो होगा तो वो कौन कौन सी ड्रग्स हो जाएंगी, ड्रग्स जो हो जाएगी वो पेंसिलिन सेफेलोस्पोरिन्स, पेंसिलिन एंड
सेफेलोस्पोरिंस। ठीक है, हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। अब आगे यस सर, आवाज आपकी आवाज आ रही है सर। ओके चलो, अब आगे बात करें तो ड्रग्स में बेसिकली क्या होता है कि ड्रग्स एब्जॉर्बेंट एबनॉर्मलिटी होती है, या फिर आपको क्या होता है कि कभी कभी ड्रग्स खुद जो है हेमोलाइसिस काउज करने लगता है। तो ड्रग्स वाला जो काउज है उसमें दो चीजें मेनली होती है, पेंसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन। अब आते हैं कि अगर इम्यून मेडिएटेड ड्रग्स ये करता है, वहां एब्जॉर्ब वाले में तो ये दोनों हो जाती है, वहीं इम्यून मेडिएटेड कॉम्प्लेक्स अगर ड्रग्स को ये करता है तो जो के सल्फोनामाइड एंड क्यूनिडीन, सल्फोनामाइड एंड क्यूनिडीन। अब नेक्स्ट जो है एलो इम्यून काउज। अब ये आइसो इम्यून के बाद जो है ऑटो इम्यून के बाद एलो इम्यून काउज। सल्फोनामाइड के बाद सल्फोनामाइड एंड क्विनिडीन, क्यूनिडीन। बीच में जो लोग जूम पे हैं, 7-8 मिनट में कट जाता है, तो वैसी सूरत में अगर आप लोग चाहे तो दोबारा जूम पे 1-2 मिनट में आ जाएंगे, या फिर जो है गूगल मीट पे चले आएंगे जो पहले आईडी ग्रुप में भेज रखा है उससे, क्योंकि मैं दोनों पे हूँ इस पे इसलिए हूँ ताकि रिकॉर्ड कर सकूँ। तो एलो इम्यून काउज में, एलो इम्यून काउज बेसिकली कहते हैं किसको है? जो एंटीबॉडी ऑटो इम्यून के बाद आप एलो इम्यून पे आइए ना। सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ, तो अब नेक्स्ट जो है सी पे आइए, एलो इम्यून। सी पे आइए आप एलो इम्यून, ठीक है सर। आइसो इम्यून लिखा है, ऑटो इम्यून कहाँ लिखा है? आइसो इम्यून ये कोल्ड एंटीबॉडी टाइप जो है वो क्या है? आवाज कट क्या रही है? आवाज नहीं आ रही सर। एंटीबॉडी टाइप जो है, कोल्ड एंटीबॉडी टाइप वो, हेलो 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 सर, आपकी आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही है, कभी कट के आ रही है। हेलो, यस सर, आ रही है ना? तो यस सर, आइसो इम्यून काउज लिखा है, ऑटो इम्यून काउज कहाँ लिखा है? आपका जो कोल्ड हीमोग्लोबिन डिजीज है, या फिर कोल्ड एंटीबॉडी टाइप है, या फिर जो है आपका ड्रग्स रिलेटेड, दोनों के दोनों ऑटो इम्यून में आ जाते हैं। फिर उसके बाद एलो इम्यून है, कोल्ड एंटीबॉडी टाइप काउज और ड्रग्स रिलेटेड काउज, ये दोनों ऑटो इम्यून मेडिएटेड काउज है। आइसो इम्यून काउज का, अब आगे बात करते हैं हम लोग एलो इम्यून काउज। एलो इम्यून काउज बेसिकली उस टाइप का काउज जिसमें बाहर से कोई ऐसी चीज, ऐसा फेनोमेना हो रहा हो जिसकी वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगे, जैसे किसी को अनमैच्ड जो है ट्रांसफ्यूजन कर दिया गया हो, अनमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया गया हो, या फिर प्रेगनेंसी हो, या फिर
जो है आपको मैच ट्रांसफ्यूजन में भी कभी कभी ऐसा होता है, जैसे बॉम्बे फेनोटाइप नाम का एक ब्लड ग्रुप होता है। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर, बोलिए। आ रही है सर। तो जैसे आप लोगों ने सुना है बॉम्बे फेनोटाइप नाम का एक ब्लड ग्रुप होता है। बॉम्बे में ही पाया जाएगा, सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला केस बॉम्बे में सबसे पहले इसका पता लगा था बॉम्बे, इसलिए इसको जो है बॉम्बे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप कहते हैं। इस ये ओ नेगेटिव टाइप का होता है, लेकिन इसमें जो है जो आर एच ये होता है एक, वो एबसेंट होता है, ए और बी एंटीजन भी, एंटीजन भी एबसेंट होता है। इसके साथ साथ एक अलग तरह का आर एच पाया जाता है। तो अमूमनता हम लोग क्या करते हैं कि ए बी ओ आर एच कर लिया, और ए बी ओ आर एच से तो ओ निगेटिव मान लिया किसी का गया। अब उसको अगर हमने ओ निगेटिव दे दिया, लेकिन उसमें एक डिफरेंट टाइप का आर एच पाया जाता है, तो जिसकी वजह से उसको रिएक्शन कर जाता है। तो इस तरह के भी जब हम विदाउट, इसीलिए जो है क्रॉस मैच हमेशा ट्रांसफ्यूजन से पहले किया जाता है, क्योंकि हमने एक सिस्टम बना लिया है एबीओ सिस्टम, बट सिर्फ एंटीजन जो है हमारे आरबीसी के सरफेस पे, और इसमें वो यही एबी ग्रुप ही नहीं है, और भी कई सारे ग्रुप है जिसको फर्दर हम को अगर क्रॉस मैच से ये होता है एग्लूटिनेशन हो जाता है, तो वैसी सूरत में हमको क्लासिफाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट कभी भी एंटीबॉडीज एक्वायर्ड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सपोज करो किसी को बॉम्बे फिनोटाइप है, उसको ये दे दिया हमने, क्या नाम है, आपको ओ निगेटिव दे दिया, ओ निगेटिव समझ के, चूंकि हमने ए बी ओ आर एच करवाया, ओ निगेटिव आया, ओ निगेटिव दे दिया, लेकिन उसमें दूसरा आर एच फैक्टर मौजूद है। ठीक है, तो एक ये हो गया, जिस बॉम्बे फेनोटाइप का ब्लड होगा उसको कौन सा ब्लड देंगे अगर उसे जरूरत होगी तो? बॉम्बे फेनोटाइप ही देंगे। चलो, तो इसके अलावा प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी हेमोलाइसिस होता है ड्यू टू एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। इसके अलावा डायरेक्ट ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए विदाउट ग्रुपिंग के, जैसे के सपोज करो किसी को ए बी पॉजिटिव है, और सामने वाला बंदा ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव है, तो उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए। तो वैसी सूरत में भी कभी कभी क्या होता है कि हमें मिलता है डायरेक्ट अगेंस्ट ट्रांसफ्यूज रिएक्शन, डायरेक्ट अगेंस्ट ट्रांसफ्यूज रिएक्शन, तो वैसी सूरत में भी हेमोलाइसिस होने लगता है। और सिर्फ यही नहीं, सपोज करो किसी का को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना, अब प्लेटलेट के लिए ब्लड ग्रुप इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ब्लड ग्रुप सेम ग्रुप का ही हो तो चलेगा। अगर प्रॉपर तरीके से उसको कंसंट्रेट किया गया है प्लेटलेट को, जिसमें बिल्कुल आरबीसी मौजूद नहीं है एक भी सेल, तो अगर उसको ट्रांसफ्यूज कराया जाए तो ग्रुप का कोई मतलब नहीं रह जाता है, कि चाहे आप वो ए ग्रुप वाले को बी ग्रुप दे रहे हैं, या बी ग्रुप वाले को ए ग्रुप दे रहे हैं, या ओ वाले को ए दे दे रहे हैं, कोई ग्रुप का मतलब नहीं। लेकिन अगर जरा सा भी उसके इसमें सेपरेशन में ये दिक्कत रहेगी, तो वैसी सूरत में हेमोलाइसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है,